क्या सीन है? उठ जाओ यार, कई दिन बाद आज बड़ी अच्छी नींद आई है। सही बात है यार, क्या मजेदार नींद आई है। ऑलमोस्ट आधी थकान मिट गई, आधे से ज्यादा। एक दिन और लगेगा घर जाके होगी, घर जाके एक दिन लगता है मतलब नॉर्मल होने के लिए। और उसके बाद वैसे भी संडे आ रहा है, संडे को राइड दोबारा करेंगे। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज जेसन, दैट्स जैकी पाजी, एंड दैट्स खन्ना जी। की हाल चाल? ओह पाजी है हमारे, अंकल नहीं कोई कहेगा, कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग सारे। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखो 8:25 हो रहे हैं, हम लोग हैं शिमला में। आई एम श्योर आपने सारी सीरीज देखी होगी। आज हमारा लास्ट डे है तो हम वापस जा रहे हैं। खुशी भी है, गम भी है, तररमपम भी है। अब लाइट बंद नहीं होगी। चलो भाई चलो, पीएमसी बैंक जिंदाबाद, खुले ना खुले, इतना ही काम बचा भाई। देखो काम तो आ रहा है मर के भी। सही है, तो यार स्टे बहुत कोजी रहा है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे लगा कॉफे, मतलब रेस्टोरेंट कहाँ पे। आई एम श्योर नीचे ही होगा पाजी। यस, हवा कितनी ठंडी चल रही है यार, बच्चा काउंट नहीं होगा ना भाई। 2% अलाउड है, बच्चा काउंट नहीं होगा। इसमें भी हवा चल रही है यार, चिल्ड कर रखी है यार, ठंड चल रहा है पाजी। ऊपर मौसम ठंडा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। स्वैप हो गया हमारा, अब हम लाइट जला लेंगे। स्वैप नहीं हो सकता, यही चलेगा। खाना अच्छा था यार, मिनिमल ऑप्शंस थे, बर्ड अच्छा था ना, अच्छा था। कोविड के टाइम में यही मिलेगा। फिलहाल यार धूप बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ रही है। 9 बज गए हैं। पाजी यार ये ना आलस फैला रहा है, मतलब मेरे को फिर से सुस्ती आ रही, क्या करें। एक दिन एक्सटेंड करो भाई। नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंड करना होता तो यार लद्दाख नहीं चले जाते। तो चलो यार मतलब पैकिंग शेकिंग करते हैं और जल्दी से रेडियो के निकलते हैं। इसको भी अंदर रख ले, ये तो सबसे ऊपर आएगा, ये जाएगा जेब में। और वैसे देखो कल हमारे एक सब्सक्राइबर यहाँ होटल में छोड़ गए थे हमारे लिए, बट मेरा फायदा हो गया इससे। पता क्या, मैं घर में वाइफ को बोलूंगा मैं तेरे लिए शॉपिंग करके आया हूँ, माल रोड से स्पेशली खरीद के आया हूँ, वो मेरी वीडियोस नहीं देखती, तो चलो थोड़े नंबर मैं भी बना लूंगा। वैसे एक चीज है मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसने दिया है बहुत ज्यादा साथ, क्योंकि इस बार इस पूरे रोड ट्रिप में ना हमने ऑन द गो डाली है सारी की सारी वीडियोस। सो एडिटिंग के टाइम में ना बहुत जरूरी है कि साउंड कैसा रिकॉर्ड हुआ है, कौन सी जगह पे आपको कट लगाना है, तो आपको चाहिए क्रिस्टल क्लियर साउंड। इसीलिए मैंने यूज किए थे मीवी के M80। और खन्ना जी ने क्या किया था ये तो बता दो। मेरा तो भैया एंटरटेनमेंट का, भाई सब गेम ही गेम खेलते रहते हैं, और गेमिंग का भी वैसे असली मजा है इनके साथ में, M80 के साथ में, बिकॉज इसके साथ आपको मिलता है लो लेटेंसी साउंड, जो आपकी गेमिंग के एक्सपीरियंस को टोटली बदल देता है, और आपको मिलता है क्रिस्टल क्लियर साउंड। और अगर आप म्यूजिक लवर हो तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत अच्छा बेस, और लिरिक्स और बीट्स के बीच में आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और जो वैसे इसकी केसिंग है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू कैरी, और एक बार आपने इसको कान में लगा लिया उसके बाद आपको मतलब टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि आपको इचिंग नहीं करते, पता नहीं लगते, लाइट वेट है, आप पूरा दिन इनको लगा के यूज कर सकते हो, कॉल वॉल उठा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। तो पाजी क्या करने का, इनको लेने का है? लेने का। डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं लिंक। तो अगर आपको चाहिए अच्छा बेस और चाहिए अच्छी क्वालिटी साउंड, या खेलते हो आप गेम मोबाइल पे, तो क्या करने का है, आपको पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करने का और अपने फेवरेट मीवी प्रोडक्ट्स ले डालने का है। फिलहाल अभी यहाँ पे वाइजर चेंज हो रहे हैं, आधे से ज्यादा पैकिंग हो चुकी है। हेलो, प्लीज सेंड समवन फॉर द लगेज। ऑलराइट, ओके। सो तैयारी हो चुकी है, लौंडे हो चुके हैं स्मार्ट, चाइनीज ही बहुत स्मार्ट लग रही है। वैसे तो बहुत गंदी हो गई थी कल, पाजी ने हमें नहला दिया था, बट अभी हमने थोड़ी थोड़ी साफ कर ली है। पैसे पाजी देंगे ऑन कैमरा, 400-400 रुपए, 800 रुपए दे देना पाजी ड्राई क्लीनिंग की, ठीक है। लगेज भी धुलवाएंगे, ये देख रहे हो हालत। चले इतना डिस्काउंट दे देते अपने अपने बंदे, जानकार दे देना, कोई जानकार है। तो चलो यार मतलब सो फार अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अब अगले ट्रिप की करेंगे तैयारी। इससे पहले पहले ब्लॉग में हमने हिंट दे दिया, इट गोना बी एपिक, ऐसा किसी ने नहीं किया। फर्स्ट हो गए हम, फिर से हम फिर से फर्स्ट हो गए, अभी हर चीज में फर्स्ट चल रहा है ना, है ना। फर्स्ट जैकी पाजी इन अटल टनल, फर्स्ट हायाबूसा इन स्पीति, अब फर्स्ट जो हम करने वाले हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, भाई क्या नजारा मैन, ब्यूटीफुल। हम मतलब जल्दी नहीं उठे, नहीं तो यहाँ से सनराइज कैप्चर होता बहुत बढ़िया। और वैसे अगर कल टाइम से आते ना, सनसेट भी आता है, क्योंकि जो होटल हमने लिया था ना, इसका ऊपर जो रेस्टोरेंट था वो बहुत बढ़िया था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे हमें। और कल शाम को ना ये वाला नज़ारा आता हमें, वादियों वाला, और सनसेट हो रहा था लगभग वहाँ पे,
अच्छा टाइम लैप्स आ सकता था, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ वी आर फुल रेजुविनेटेड, दिल्ली जाएंगे, वही कोविड सीन है भाई, बैठेंगे वहाँ पे घर पे, कम घूमेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, बट ट्रैवल करेंगे। अभी तक जहाँ भी हमने ट्रैवल किया ना, वी अवॉइडेड लाइक क्राउडेड प्लेसेस, हम लोग आइसोलेटेड ही रहे हैं तीनों कट्ठे। स्पीति में तो लोग ही नहीं थे, मनाली में हम मालोट गए नहीं, यहाँ भी गए तो सिर्फ खाना खाया, और अच्छी बात ही कल खाली था, मतलब कोई ऐसा मतलब ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। और होटल अच्छा लेने का फ़ायदा ये हुआ कि हाइजीन इश्यूज़ जो हैं, मतलब थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रख के हमने ऐसे होटल लिए थे कि एटलीस्ट ये लोग तो साफ सफाई ढंग से करते होंगे। 30 किलोमीटर्स एंड अराउंड 50 मिनट्स आई गेस। अभी हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, मतलब यहाँ से एक रास्ता कटता है चैल के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब ये जहाँ से ट्रक आ रहा है, बट अभी हमें लेना है यहाँ से राइट। बट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है यार, मतलब बहुत ही सुंदर है, नारकंडा के पास में निकालता है, एंड यू मस्ट ट्राई इट। एंड हालत ना ये वाले रोड का भी बहुत बेकार है, हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वो जो टनल है ना, वो टनल का काम यहाँ पे भी हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक भी है, रोड भी अच्छा नहीं है, और मिट्टी बहुत है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जब से होटल से निकले ना, लगभग यही हाल दिख रहा है हमें, जगह जगह इतनी पब्लिक है। क्या बात है, कालका शिमला, ओले शुरू होते ही खत्म हो गई, भागो। अब ग्लव्स आगे जाके डालेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 200 200 200 लगाएंगे। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। सो एक भाई थे हमारे यहीं से लोक, इनको वैसे चंद्रताल वाला वीडियो बहुत बढ़िया लगा, आई एम श्योर आपको भी ऐसे लग रहे होंगे सारे के सारे वीडियो। सैडली लास्ट व्लॉग है, बट हैप्पीली आई एम गोइंग बैक, तो दिल्ली जाके करेंगे धमाल, S2 चलाएंगे और थोड़े से व्लॉग्स वहाँ से बनाएंगे, उसके बाद एक और रोड ट्रिप चालू। रेस दे। खत्म, हमारी बाइक चल गई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, और टाइम हो रहा अभी 1 बजे है, आई गेस 10:30 चले थे, 11:30 12:30, 1.5 घंटे में नीचे, वेरी गुड। एंड ये बता दूं कि आधा रास्ता बुरा है, आधा बहुत अच्छा हो गया है, 4-lane highway बन गया है, जहाँ तक बना हुआ ना मजा आ जाएगा आपको, टर्न्स का, कर्व्स का, सीनरी का, बट जहाँ पे खराब है वहाँ पे रोना आ जाएगा। चलो ओके, कुछ खाला पीना? नहीं नहीं बस, थैंक यू। यहाँ पियेंगे चा, करारी चा, क्योंकि अभी तक क्या है ना, पूरे ट्रिप में हमें कहीं पे बहुत अच्छी चाय नहीं मिली, हर जगह हमने काम चलाया चाय के साथ में, बट अब करेंगे नो कॉम्प्रोमाइज। भूसा, ये बनी सीधी रोड के लिए है, क्या लीनिंग करी है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ छिल दिए मैंने दोनों तरफ से। ए भाजी, हम देख रहे थे आपको। सही है, रोड चले ना तो ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत टाइम से आ गए इधर, बहुत टाइम से है ना, प्रो राइडर इधर देख के बात करो।
पान, खीर, समोसा, सरसों का साग, लच्छा पराठा। तुम की खाओगे भाई? चार चार सानू दसना। असं रुके हैं स्पेशल सिटी के ढाबे से पीन वास्ते चाह 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 चाह। बस चाह पी के कोशिश रहेगी कि सीधा जावांगे मुरथल, एक स्टॉप होर लगेगा उधर चाह वास्ते, उसके बाद जावांगे सीधा घर। शाम होते ही मन में एक सवाल उठता है, आज दिन ढला या उम्र? वाह वाह। तो बाबा का ढाबा बुढ़ापा, सेठी का ढाबा यहाँ पे जीरकपुर है। जीरकपुर, जीरकपुर। तो भाई चाय शाय पी लिए, मट्टी शट्टी खा ली है, चाय बहुत स्वाद। अब चलने की करेंगे तैयारी, घर बुला रहा है ना, दिल्ली बुला रही है, चले पक्की बात। दिल्ली में बिल्ली बुला रही है। खाना हमने नहीं खाया, चाय पिए तो शायद एक चाय स्टॉप और ले लेंगे तीन चार घंटे के बाद, है ना। 200 किलोमीटर के बाद रुकेंगे, 200 किलोमीटर चलाने के बाद। अम्बाला रास्ते में आए और परिणीति की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो बहुत टाइम से चल रहे हैं यार हम, मतलब मेरे को लग रहा है दिल्ली आज बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है बट मैनेजेबल है सो फार। मतलब नीलिमा इज परफॉर्मिंग ऑसम यार, मतलब इतना एक्सट्रीम करके आने के बाद भी ना बहुत प्यारी चल रही है हाईवे पे। मतलब जैसे थ्रॉटल दो वैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब बढ़िया एकदम। तो भाई लोग देखो अभी 3 बजे और हम लोग पहुंच गए नीलखंड, मतलब दिल्ली 120 रह गया। मजा आ गया राइड का यार, सीरियसली मजा आ गया, है ना। ये चीज मैं सो रही थी स्पीति में, मतलब कॉफी पियेंगे। बहुत दिन के बाद बरिस्ता मिला हमें खुला हुआ। सो कुछ इस तरीके से दिल्ली हमारा स्वागत कर रही है और हम संडे को चले थे लंबी राइड पे जो 6 दिन चली, आज फ्राइडे और हम घर वापिस पहुंचने वाले हैं। बाजी यार 2 दिन और काट लेते, संडे को वापस आते ना ट्रैफिक नहीं मिलता, बहुत ट्रैफिक है बट नज़ारा देखने लायक है यार। चलो अंत भला तो सब भला। ओके बाजी टेक केयर, फिर मिलेंगे संडे को। संडे राइड आ रही है और जिंदगी में एडवेंचर आ रहा है। अच्छा तू तो मेरे साथ ही जा रहा है। सो दोस्तों ऑलमोस्ट 1517 किलोमीटर चल रही है, 1517 बस, मतलब ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। मज़ा आ गया, टाइमली हम लोग घर पहुंच गए हैं, 6 बज गए हैं। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाय क्या हाल है? हाय कन्हा जी। सर आज ही आपका स्पीति वाला देखा सर, आज ये भी अभी देखा है। अरे नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एडिटिंग सर A1 लगती है, A1। समझ गया सर, पार्ट एकदम पार्ट सर, सही है। चलिए जी ग्रेट, ओके थैंक यू, बाय बाय। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है मेरा, मुझे बहुत दूर तक चलना है। थैंक यू गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही प्यार करते रहना, मुझे बहुत दूर तक जाना है। करते हैं वीडियो क्लोज, मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन, bye bye.